स्वागत है। आप देख रहे हैं बीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूँ आपके साथ क्योंकि यही नजर। जहाँ पर प्रवासियों के संग प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री संग तमाम नेता विचार विमर्श कर भारत की ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आयोजन के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक दुखियारी माँ अपने बेटे को अपने वतन लाने के लिए आंखों में आंसू के साथ हाथों में तख्तियां लिए नेताओं की राह देख रही है। इस माँ के दर्द का अंदाजा इस आंसू से निकाला जा सकता है कि आखिर अपने आंचल में वापस लाने के लिए अपने लाल को अगले 2 साल से परेशान है। दर दर ठोकर खाने के बाद आज लालपुर स्थित TFC पर आ पहुंची। मामला आज से 2 साल पहले की है, जब महेंद्र अपने वाहन में बनारस से फल लाद कर नेपाल जा रहा है, लेकिन रास्ते में नेपाल पुलिस ने उसे जेल भेज दी। अब माँ बेटे को वापस लाने के लिए न केवल परेशान है, देखना यह है कि आखिर इस माँ की फरियाद सुनी जाती है या नहीं। वाराणसी से राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तार मोदी जी बात सुन ले लें जा। ठीक वाला ही ले 10 रुपया ले ला। इधर हुआ मत जहाँ जहाँ हम जाते बचाता था जी बताओ वहाँ सभा दिया वहाँ किया जा कतो मार कुछ नहीं वो तो बचा चली आ चुकी थी जरा खाने गई उनके सभा किया वो चल नहीं हमें करियारे भेज दे तो सब वो कौन करियारे वाला कि माता जी हम क्या करेंगे। हाँ जो करेंगे तो मोदी करेंगे। चलो मोदी जी तार कह दिए बस बचो हमारे तो ना कल्याण कराता लाल कैसे हमारा लड़का छू लिया बचो। ठीक है दादी ठीक बचो हमारे तो लड़का भी जहाँ बहुत मर जाए चाहे जाओ भैया बाबू से मांगे या बचवा तब जाके।